आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे अपना असर दिखाता जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। रात गहराते ही कोहरा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है और सुबह सवेरे अल सुबह अगर आप निकलते हैं तो आपको कोहरे की चादर हल्की फुल्की दिखाई देने लगती है। ओस की बूंदें भी आजकल दिखाई देने लगी हैं। सुबह का नज़ारा लगभग 5:30 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये छिंदवाड़ा रोड का नज़ारा है। यहाँ पर विजिबिलिटी कुछ कम प्रतीत हो रही है, धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होती जा रही है सुबह और रात के समय। दरअसल कोहरे ने अपने आगोश में लेना आरंभ कर दिया है ज़िले को। यहाँ आप देख सकते हैं कोहरा दिखाई दे रहा होगा और ये स्ट्रीट लाइट भी आपको पोल्स किस्ते विजिबल हैं ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया कि अगले महीने दिसंबर महीने में 7-8 दिसंबर के बाद सर्दी थोड़ी सी बढ़ेगी, बढ़ सकती है। वैसे तो अभी भी रात सर्द होना आरंभ हो चुकी है। ये देखिए बाईपास का नज़ारा और यहाँ से जो वाहन आ रहे हैं उनकी लाइट भी किस तरह की दिख रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे का ये नज़ारा बाईपास से, अगर आप ये बाईपास का नज़ारा और बाईपास से फिर छिंदवाड़ा रोड की ओर आगे अगर आप बढ़ते हैं यहाँ का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जो लोग सुबह सवेरे सैर करने जाते हैं वे चिकित्सकों का मशवरा है कि सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और सुबह बहुत जल्दी जो 4:30-5 बजे निकलते हैं वे अब थोड़ा सा विलंब से अगर निकलें तो उचित होगा, क्योंकि सुबह और रात के समय सर्दी अपना असर ज़्यादा दिखाती है। इसके लिए सुबह अगर आप सैर सपाटे के लिए निकलते हैं तो आप पर्याप्त सर्दी से बचने के पर्याप्त इंतजाम करके आपको निकलना चाहिए। सर पे टोपी लगा लें, मफलर बांध लें और कुछ ऊनी वस्त्र ज़रूर पहनें। जूते पहने बिना घर से ना निकलें और सुबह बुज़ुर्गों को जो 60 साल से अधिक आयु के हैं उन्हें ये मशवरा दिया है कि चिकित्सकों के द्वारा वे धूप निकलने के बाद 10 बजे के बाद स्नान आदि करें। अब हम आपको यहाँ से लेकर आ रहे हैं, देखिए भगवान भास्कर सुबह सवेरे निकलते हुए और पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये मैदान हम आपको दिखा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह सैर करने वाले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुबह सैर करने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में आते हैं पर यहाँ शराब की बोतलें और अन्य आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ मिलती हैं। बार बार खबरों के प्रसारण के बाद भी ना ही पॉलिटेक्निक प्रशासन इस मामले में चेतता है और ना ही कोतवाली पुलिस के द्वारा ही कोई इस संबंध में एक्शन लिया जाता है। यहाँ आप देखिए ओस दिख रही होगी, कोहरा थोड़ा थोड़ा सा ज़मीन के आसपास दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्योदय होने के उपरांत कोहरा छटना आरंभ हो जाएगा। पेड़ों की ओट में भगवान भास्कर आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर गंदगी भी आपको दिखाई दे रही होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन किस तरह से इसका रखरखाव करता है ये देखिए। यहाँ पर नगरपालिका परिषद को भी इस बात की परवाह नहीं कि नगरपालिका परिषद का एक मंत्रालय यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा आवारा मवेशियों का डेरा यहाँ रहता है। इस मैदान में आवारा मवेशियों के द्वारा मलमूत्र त्यागा जाता है और जो सुबह परेशानी का सबब बनता है यहाँ घूमने वालों के लिए। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह का नज़ारा और सुबह जो ओस कह लें इसे कहें या कोहरा दोनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। सड़क पर विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बुजुर्ग 60 साल से 55 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग सुबह बहुत जल्दी घूमने ना निकलें ये चिकित्सकों के द्वारा
मशवरा दिया गया है और सवेरे अगर निकलते हैं तो वे सर्दी से बचने के मुकम्मल इंतजामात करके, पर्याप्त इंतजामात करके वे यहाँ अगर निकलते हैं तो उनके लिए उचित होगा। और बेहतर है कि सुबह 5:30-6 बजे की बजाय अगर 6:30 के बाद, सुबह 6:30 बजे के उपरांत अगर वे घूमने के लिए निकलते हैं तो थोड़ा सा सर्दी का प्रकोप सुबह कम होने की उम्मीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आपको दिखा सामने दिख रहा होगा किस तरह धुंध दिखाई दे रही है, कोहरा दिखाई दे रहा है। दरअसल अब हम पुण्य सलिला बैनगंगा के लखनवाड़ा तट के करीब पहुंच रहे हैं और लखनवाड़ा तट के, चूँकि यहाँ पर ये देखिए ऊपर भी बादल आपको हल्के फुल्के दिखाई दे रहे होंगे, पानी के आसपास जहाँ जल स्रोत होते हैं वहाँ कोहरा थोड़ा ज़्यादा होने की उम्मीद होती है। ये देखिए यहाँ पर खेतों में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से कोहरा यहाँ नज़र आ रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के द्वारा धर्म प्रभाग का अलग से पृथक से आरंभ कराया गया है, जिसे आप देखना ना भूलें। ये नज़ारा पुराने पुल की तरफ हम जा रहे हैं, पुण्य सलिला बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर, और ये महिलाएं यहाँ पर, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी सुबह सवेरे सैर को निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। सभी यहाँ पर सुबह सेहत बनाने के लिए निकलते हैं। पुण्य सलिला बैनगंगा में भी सुबह के समय काफ़ी लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर जल आप दिख रहा होगा, आपको पानी भरा हुआ दिख रहा होगा और माता बैनगंगा की प्रतिमा भी यहाँ दिखाई दे रही होगी। लोग सुबह पहुंचकर यहाँ स्नान ध्यान भी करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सुबह का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा, सुबह सवेरे का यह नज़ारा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।